मीनाक्षी किचन। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कुकीज, जिसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा, हाफ कटोरी पाउडर्ड शुगर, एक बड़ा चम्मच देसी घी या बटर, दो तीन चम्मच चॉकलेट पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसको गूंदने के लिए दूध। अब एक बाउल में हम मैदा लेंगे और इसमें हम पाउडर्ड शुगर मिलाएंगे। इसमें हम देसी घी या बटर मिलाएंगे और इसमें फिर साथ ही हम चॉकलेट पाउडर, अगर आपके पास चोको चिप्स हैं वो भी डाल सकते हैं चॉकलेट पाउडर के साथ, बेकिंग पाउडर, थोड़े से नट्स, और ये मिक्स करने के बाद इसका हम एक डो बनाएंगे जो कि हम दूध के साथ बनाएंगे। और एकदम से दूध ज़्यादा नहीं डालना, धीरे धीरे करके डालना है। ये देखिए हमने ऐसे डो बना लेना है और इसको डो को 20 मिनट तक ऐसे करते रहना है, अच्छी तरह गूंदना उसको, और इसको फिर 5 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। अब हम जो हमने आटा बनाया है उसके छोटे छोटे बाउल लेंगे, बाउल लेके वैसे प्रेस करके और किसे ऐसे चाकू की सहायता से इसमें हम डिजाइनिंग कर देंगे। और इसको हम जो हमने एक बेकिंग डिश जो ग्रीस की हुई है इस पे हम रख देंगे, ऐसे ही हम सारे कुकीज तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे सारी कुकीज तैयार कर ली है और इसपे हम एक थोड़ी थोड़ी इस पे देसी घी की थोड़ा पॉलिश कर देंगे ऊपर। और अब आप टेस्ट के लिए चाहिए इसके ऊपर थोड़ी नट रख सकते हैं या थोड़े थोड़े आप चीनी के दाने डाल सकते हैं, इससे थोड़ा अच्छा कैरमल हो जाएगा। अब हम कुकीज को जो कि ओवन हमने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था उसमें रख देंगे। अब टेम्परेचर इसका हमने 180 डिग्री ही रखना है और इसको हम अब 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे। ये देखिए हमारी कुकीज तैयार है और इसका ठंडा होने पे खस्ता खस्ता हो जाएंगे, जिसका आप टेस्ट का मजा लीजिए।